तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फादर्स डे सेलिब्रेशन की। हाँ, माना रविवार को फादर्स डे है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि फादर्स डे हर रोज होता है, हमेशा, कोई एक दिन कैसे हो सकता है, तो क्यों ना आज ही सेलिब्रेशन कर लें। शुरुआत करते हैं सेलिब्रेशन की सर्वर आहूजा के साथ। सारा प्यार और मासूमियत के साथ तो इस कदर आया कि मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे खुशियों का सरताज पहनाकर शहंशाह बना दिया कि मुझे तेरी लत लग गई। क्योंकि सर्वर आहूजा के दिन की शुरुआत होती है उनके 7 महीने के नन्हे से सरताज के साथ। लॉकडाउन की वजह से सर्वर को मौका मिल गया है सरताज के छोटी सी छोटी चीजों का हिस्सा बनने का, चाहे फिर उसके साथ म्यूजिक पर डांस करना हो या उसे कहानी सुनाना। उसे झूला झुलाने से लेकर उसके साथ खेलना, और बड़े प्यार से गुनगुनाते हुए उसे सुलाना। सरताज के साथ साथ सर्वर अपने पेट गब्बर का भी उतना ही ख्याल रखते हैं, क्योंकि गब्बर ने उन्हें 6 साल पहले ही पिता की जिम्मेदारियों का एहसास करवाया था, जब वो सर्वर की जिंदगी का हिस्सा बना था। Hi everyone, this is Sarwar Ahuja and this is my little one Sartaj Ahuja and this is Gabbar. I have always celebrated Father's Day with Gabbar, but this time it's special because it's my first child, my very own Sartaj. It's a beautiful feeling to be a father. Especially at this time, I have actually enjoyed every bit of these 7 months that he's been into this world, and it's really been special. And of course, Gabbar, he's been with us for 6 years and he's always been a good baby. So I have 2 sons, Gabbar and Sartaj. I wish you all a very, very happy Father's Day. This is a beautiful experience which has to be cherished for life. सरताज और गब्बर के साथ सर्वर के ये लम्हे वाकई अनमोल है, जो ताउम्र उनके चेहरे पर मुस्कान बन के रहेंगे। स्नेहा शर्मा, ABP न्यूज, मुंबई। देखिए, जब कोई सफर खत्म होता है ना, तो उसी के साथ एक नए सफर की शुरुआत हो जाती है। कई बार हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है, जीवन आगे बढ़ता रहता है। जी हाँ, लॉकडाउन में हमारी जो अलीशा पनवर है, उनका भी एक सफ़र जो है अब वो समाप्त हो गया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं सीरियल मेरी गुड़िया की, और अलीशा पहुंची अपना मेकअप रूम खाली करने। ऐसे में कैसा रहा उनका ये पूरा एक्सपीरियंस? जाहिर सी बात है, जिस सेट पर आप वक्त बिताते हैं, जब वहाँ से पैकअप करते हैं, तो यादें जीवन भर की अपने साथ समेट कर लेकर जाते हैं। Thank you.
हम सबको पता है कि यू नो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ सेट पर आ जाई हूँ, लेकिन फुल प्रिकॉशन के साथ, विद मास्क एंड ग्लव्स एंड वी ऑल नो दैट मेरी गुड़िया हैज बीन ऑफेड नाउ. तो आज मैं अपना जो रूम है वो डिसमेंटल करने आई हूँ, अपना मेकअप रूम सारा सामान लेने. मेरा मेकअप रूम तो ऑलमोस्ट 3 महीने बाद खुला है और सेट भी अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डिसमेंटल हो ही रहा है. और आई मीन सो नॉस्टैल्जिक, लाइट ऑन हो गई, लेट्स गो इनसाइड. मैंने अभी इस रूम को पूरी तरह डेकोरेट भी नहीं किया था, यू नो इतनी सारी चीजें थी करने वाली और अचानक से शो ऑफ फेयर हो गया बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एंड एवरीथिंग. हर रोज सुबह यहाँ आती थी, यहाँ मेरी ड्रेसेस अलग ही होती थी बिकॉज यू नो मेरे अलग अलग चेंजेस साड़ीज माधुरी की लुक की. मेरी बेटी को बचाने का उपाय बताइए गुरुदेव. अपने हाथों से अपना रूम डेकोरेट किया था मैंने इतने अच्छे से, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दोबारा सब कुछ डिसमेंटल करते journey. Thank you so much and I'll always miss this set, this these vibes and I will miss Madhuri and I will miss you know jo kuch maine yahan shoot kiya jitni aapko mujhe yahan pyar mila, but thank you very much, stay blessed and I love you all. ये है ABP News, आपको रखे आगे.